ये देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, ये बेसिकली क्या है तो ये वर्क एनर्जी पावर में आया है, बट ये फ्लूइड के कॉन्सेप्ट से मिलके बना हुआ है। तो वीडियो पॉज करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। इस प्रॉब्लम को करने के लिए आपको थोड़ा सा फ्लूइड के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होगा। हार्ट है, हार्ट आप मैन, ठीक है, दिल है, तो आदमी का दिल ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, इस टाइप का मान लो आर्टरीज है, इस टाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, और ये तो इस टाइप के पाइप में ब्लड फ्लो हो रहा है पर मिनट जो है वो 1.5 मिलीमीटर जो है प्रेशर है, ठीक है, 1.5 मिलीमीटर हम मर्क्यूरी का प्रेशर है। अब डेंसिटी हम मर्क्यूरी दिया हुआ है, तो पावर हार्ट मतलब अगर किसी आदमी का हार्ट है वो 5 लीटर ब्लड पंप कर रहा है, ठीक है, एक मिनट में, तो उस आदमी की जो हार्ट है उसका पावर कितना होगा, ठीक है। तो हमें पावर निकालने के लिए, अब मैं जब पावर अगर निकालूं तो पावर इज इक्वल टू एवरेज पावर वर्क डिवाइडेड बाई टाइम टी, यही तो होता है वर्क डिवाइडेड बाई टाइम टी, और वर्क होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टी। या अब यहाँ जो फोर्स होता है वो बेसिकली फोर्स को मैं लिख सकता हूँ, फोर्स दैट इज प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो प्रेशर अगर मल्टीप्लाइड बाई एरिया में फोर्स लिखूँ तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया और डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाई टाइम टी, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर, अब आपको ये बात समझना पड़ेगा कि प्रेशर जो होती है वो फिजिक्स में प्रेशर और एरिया क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाइड बाई डिस्प्लेसमेंट टाइम टी। अगर कोई ट्यूब है, दिस इज द हार्ट ऑफ द मैन, ये ट्यूब है, इसका एरिया क्रॉस सेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट है, तो एरिया क्रॉस सेक्शन और डिस्प्लेसमेंट एस का जो मल्टीप्लीकेशन होता है वो क्या होता है, वॉल्यूम होता है, ठीक है, तो ये वॉल्यूम होता है, तो प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम ऑफ द पंप डिवाइडेड बाई टाइम टी, ठीक है। तो ये हमें आ गया प्रेशर और वॉल्यूम और ये टी के इक्वल आ गया बेसिकली, ठीक है। तो अब हमें प्रेशर वॉल्यूम और टाइम की वैल्यू रखना पड़ेगा, तब जाके हमें उस पावर आएगा हार्ट का। ये जो पी है वो प्रेशर के लिए है, पावर के लिए है। चलो तो इसमें वैल्यू रखते हैं। तो जब फ्लूइड होती है, आप अगर बेसिक आप फ्लूइड पढ़े होगे 9th-10th में, या अभी आगे पढ़ोगे या ड्रॉपर हो तो आप पढ़े होगे कि अगर फ्लूइड है तो ये जैसे ये मान लो ये ब्लड है, ठीक है, दिस इज द ब्लड हार्ट है, तो ये एच हाइट इस फ्लूइड की वजह से बेस पे जो प्रेशर होता है, प्रेशर दैट इज प्रेशर रो जी एच के इक्वल होता है यार, ठीक है, बराबर है सबको, तो रो जी एच के इक्वल है, तो ये रो जी एच के इक्वल है, इसका मतलब ये हुआ कि रो जी एच मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम डिवाइडेड बाई टाइम टी। अब रो क्या है, डेंसिटी, ठीक है, और जी और एच, तो डेंसिटी कितनी है, अब द डेंसिटी ऑफ मर्करी 16.9 प्रेशर, ये जो प्रेशर है वो डेंसिटी, ये सारी वैल्यू ले जा के रखोगे वहाँ, एंड द प्रेशर ऑफ 1.5 मिलीमीटर ऑफ मर्करी, जो मर्करी का ट्यूब है उससे प्रेशर कंपेयर कर रहा हार्ट का, ठीक है ना। तो ये जो 1.5 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्करी है, तो 1. अब इसको वैल्यू रखना पड़ेगा हमको, रो जी एच वॉल्यूम टी टाइम टी। यहाँ से मैं एक बार यहाँ पे आपको वैल्यू सारा रख के दिखाता हूँ। चलो तो पावर इज इक्वल टू रो जी एच वॉल्यूम टाइम टी, ठीक है। अब रो क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी मर्करी यूज हो रही थी 13.6, अरे समझ रहे हो ना, मर्करी की यूज हो रहा, वो प्रेशर कंपेयर कर रहा है हार्ट का मर्करी से, 13.6 इंटू 10 की पावर 3, ठीक है, जी की वैल्यू आपको 10 लेना है, हाइट कितना मर्करी कलम का 1.5 मिलीमीटर है, मिलीमीटर है तो मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1.15 आ जाएगा, अगेन मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है 5 लीटर, 5 लीटर को मीटर SI यूनिट में सॉल्व कर रहे हैं ना, तो 5 लीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 5 × 10⁻³ और डिवाइडेड बाई टाइम कितना है भैया, 1 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड। ये आपको याद रखना है कि 1 लीटर इज इक्वल टू 10⁻³ मीटर क्यूब, ठीक है। ये अब पूरा ये जो हार्ड वर्क है पूरा अगर सॉल्व करोगे, समझाने को तो मैं समझा दिया, पूरा अगर सॉल्व करोगे इसको काटो ओटो, ठीक है, तो देखो ये कितना आता है भाई,
तो पूरा सॉल्व और एक काट कूट लो ये, तो फाइनल सोल्यूशन इसका आ जाएगा 1.7 वाट आता है, 1.70। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू 1.70 वाट, ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, 1.70 वाट इक्वल, दिस इज द सी ऑप्शन सही। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा। ये बच्चे डाउट में अक्सर ये क्वेश्चन लेके आते हैं, इसके पीछे रीजन ये है कि यार उनको थोड़ा सा यहाँ प्रेशर वेसर लिखने में दिक्कत होती है। ठीक है, चलो।